Good morning students, myself Umesh Kumar, and today I am going to teach you chapter 4 of your ST test book. The name of the chapter is Houses We Live In. So let's start the class. Dear students, you know that we have three basic needs: food, clothes, and shelter. इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू स्टडीड अबाउट फूड एंड क्लोथ सो टूडे वी विल बी स्टडी अबाउट शेल्टर्स शेल्टर इज ए बेसिक नीड ऑफ मैन वी टेक शेल्टर इन हाउसेस हम कहाँ रहते हैं हम अपने घरों में रहते हैं ए हाउस प्रोटेक्ट फ्राम हीट कोल्ड बैड वेदर तीप्स स्ट्रे एंड वाइल्ड एनिमल्स वी फील सेफ इन आवर हाउसेस हमारे घर हमें किन किन चीज़ों से बचाते हैं गर्मी से ठंडी से खराब मौसम से चोरों से आवारा और जंगली जानवरों से घरों में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं

दे लास्ट लॉन्गर दैन अदर हाउसेस सो विच आर द मटेरियल्स यूज इन मेकिंग स्ट्रोंग हाउसेस हाउसेस मेड ऑफ़ वुड ब्रिक्स एंड कॉन्क्रीट आर स्ट्रोंग एंड परमानेंट जिन घरों में वुड ब्रिक्स या फिर कॉन्क्रीट यूज होता है ऐसे घर मजबूत और परमानेंट होते हैं लेट सी सम ऑफ द स्ट्रोंग हाउसेस सम पीपल लिव इन अपार्टमेंट्स दे हैव फ्लैट्स बिल्ट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर अपार्टमेंट्स में फ्लैट्स होते हैं जो एक के ऊपर एक बने होते हैं सम पीपल लिव इन ब्यूटिफुल बंगलोस, यूशली सिंगल स्टोरीड विथ लॉन्स अराउंड दैम कुछ लोग कहाँ रहते हैं बंगले में रहते हैं

एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर वॉट इज इट इट्स ए टेंट हाउस इट इज़ मेड ऑफ कैनवास इट इज़ वेरी इजी टू सेट टेंट हाउस को हम आसानी से बना सकते हैं और इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं मोस्टली इसे कैंप में यूज़ किया जाता है सेकेंड वन इज हाउस बोट ए हाउस बोट इज ए हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर ऐसा घर जो पानी में तैरता है उसे हाउस बोट कहते हैं इट इज़ मेड ऑफ वुड सम पीपल इन कश्मीर लिव इन हाउस बोट्स इसे लकड़ी से बनाया जाता है कश्मीर में कुछ लोग हाउस बोट्स में ही रहते हैं नेक्स्ट वन इज कैरवन इट इज ए हाउस ऑन व्हील्स इन सम कंट्रीज इट इज़ पुल्ड बाय ए कार वाइल्ड इन इंडिया इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस नेक्स्ट इज द हाउस ऑन स्टिल्स इट इज मेड इन सच एरिया वेरी ट्रेन से लॉट इस प्रकार का घर ऐसे जगहों पर बनाया जाता है जहां बरसात ज्यादा होती है नेक्स्ट इज साइन इग्लू इट इज ए स्नो हाउस बर्फ से बनी घरों को हम क्या कहते हैं इग्लू कहते हैं इट्स ए प्लेस वेयर इन यूड्स लिव ओके स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू द अदर पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप रीडिंग योर टेक्स्ट बुक्स Thank you.